अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे। आज मैं आपके पास एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ जो कि न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमारी वीडियोस पे आते हैं और कमेंट्स करते हैं कि हमने फुल वॉच किया है, हमने इतना वॉच किया है, हमने इतना वॉच किया है, तो हमें पता नहीं चलता है एक्चुअल में कि वो वॉच कितना हो रहा है। या कोई न्यू फ्रेंड्स बनते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वीडियो देख के आपको फ्रेंड बनाया है, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज का जो ट्रिक मैं लेके आया हूँ उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि जो बंदा आपकी वीडियो पे आ रहा है, कमेंट कर रहा है, तो वो आपकी वीडियो पे कितना टाइम रहा है, उसने कितनी वीडियो आपकी वॉच की है। तो ये चीज़ हम चेक कर सकेंगे, तो देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें कि दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप नहीं चेक कर सकेंगे ये। उसमें एक तो ये है कि जब फ़ौरन वीडियो अपलोड होती है ना, तो उसके फ़ौरन बाद क्योंकि वो रश हो जाता है व्यूज़ का, उस टाइम पे आप नहीं चेक कर सकेंगे। उसके अलावा जब आप लाइव में लिंक लगवाते हैं तो उस लिंक पे भी क्योंकि फ़ौरन 10-15 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, तो उस जगह पर भी आप नहीं देख सकेंगे। तो उसके अलावा जो सिंगल आउट लोग आ रहे होते हैं वीडियो पर, वीडियो देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो उसका टाइम हम इजीली देख सकते हैं। तो चलें आए फ्रेंड्स, YT स्टूडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, हम YT स्टूडियो को ओपन करते हैं और नीचे आ जाते हैं कमेंट्स पे, जहाँ पे रीसेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप ये देखें 8 मिनट्स पहले कमेंट आया है, इसका हम टाइम चेक करेंगे किस वीडियो पर है। तो ये इस वीडियो पर है, इसको क्लिक करेंगे यहीं पे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी। इसके वीडियो एनालिटिक्स में जाएंगे और वॉच टाइम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इधर सिलेक्शन करेंगे 60 मिनट्स की। तो ये देखें, ये इसका टाइम यहाँ पे शो हो रहा है तकरीबन 12:42, और करंट टाइम के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 10 मिनट का ही डिफरेंस बनता है। और ये कितनी वीडियो वॉच हुई है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 मिनट वीडियो वॉच हुई है। तो वापस आ जाएं, वापस आके देखें कमेंट्स का टाइम, देखें ये देखें, ये लास्ट जो कमेंट आया हुआ है तकरीबन 10 मिनट पहले का ही है। तो इस बंदे ने वीडियो कितनी देखी है, 7 मिनट उकला। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 27 मिनट इसी वीडियो पे, सेम प्रोसीजर, वॉच टाइम पे क्लिक किया, 60 मिनट वाली सिलेक्शन कर ली। तो ये देखें तकरीबन 30 मिनट्स बनते हैं इसके भी, 12:23, और करंट टाइम है 12:53, तो तकरीबन 30 मिनट बनते हैं। तो इसने कितनी वॉच की है, 2.71। इसी तरह यहाँ से बैक करते हैं और बैक जाके कमेंट का टाइम देख लेते हैं, तकरीबन ये देखें 28 मिनट्स को इसने कितनी वीडियो वॉच की है, पता चल गया। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से कम वाला तो इजीली हो जाता है। तो ये देखें ये वाली, ये 3 आवर्स अगो है, तो ये देखते हैं इस वीडियो पे कमेंट आया है और देखते हैं कि कितनी वीडियो वॉच हुई है। इस वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो सेम प्रोसीजर, वीडियो एनालिटिक्स में गए, वॉच टाइम पे गए, यहाँ पे 48 आवर्स वाली सिलेक्शन कर ली। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि जो 48 आवर्स का एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, ये देखें 10 AM और करंट टाइम 12:54, तो ये तकरीबन 3 आवर्स बन रहे हैं। तो कितनी वीडियो वॉच हुई, 4.35। 3 आवर्स पहले जो वीडियो वॉच हुई है वो इतनी वॉच हुई है, तो उस कमेंट से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। बड़ा यूज़फुल है ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए ट्रिक है, इससे पता चल जाता है कि वीडियो कितनी वॉच हो रही है। तो इससे हम अभी बैक चलते हैं, एक और देख लेते हैं वीडियो का।
ये देखें 5 आवर पहले का कमेंट है और ये दूसरी वीडियो पे है। इस वीडियो को यहाँ से ओपन करते हैं, एनालिटिक्स में जाएंगे, वॉच टाइम पे क्लिक करेंगे और उसी तरह 48 आवर सेलेक्ट कर लेंगे तो 5 आवर पीछे चले जाएंगे। इसका 5 आवर बनेगा ये देखें 8 o'clock। 8 o'clock से हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 5 आवर्स ही बनते हैं। तो ये 1.65 मिनट वीडियो देखी गई है। ये देखें, अभी इधर से वापस आ जाते हैं तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह हम देख सकते हैं कि किसने हमारी कितनी वीडियो देखी है। तो अच्छा ट्रिक्स है, ट्राई करें इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।